चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया। हाँ, तो हम आज क्या बनाने वाले? मसूर पुलाव। तो हाँ दोस्तों, आज बनने वाला है अखा मसूर पुलाव, एकदम अखा अखा। बहुत कमेंट आया, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, बट एक जन है यानी कि एक सब्सक्राइबर जो कि हर वीडियो में कमेंट करते हैं कि यार अखा मसूर पुलाव बनाओ, मैं कितने दिन से बोल रही हूँ, आप तो मेरी बात ही नहीं सुनते, मैं अभी कमेंट ही नहीं कर रही है, सब्सक्राइब कर रही हूँ। तो दोस्तों, स्ट्रीट फूड जायका में देर है लेकिन अंधेर नहीं। बहुत दिन के बाद हम लोग उनका मतलब एक हिसाब से कमेंट को पूरा कर रहे हैं। आज अपनी बनाने वाले अखा मसूर पुलाव, तो चलिए नजर मारते हैं इंग्रीडियंस पे कि अम्मी अखा मसूर पुलाव बनाने के लिए क्या क्या लेंगे। चलो, तो सबसे पहले लगेंगे हमको अखी मसूर की दाल, चावल, टमाटे, प्याज, अदरक लहसुन पेस्ट, कोथमीर, पुदीना, हरी मिर्ची, दही और ये खड़े गरम मसाले, ये डालने के लिए मैं आपको बताऊंगी, और हल्दी, धनिया, मिर्ची, जीरा पाउडर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं मसूर पुलाव कुकर में बनाने वाली हूँ आज, ठीक है, झटपट एकदम आसान तरीके से। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। बड़े चम्मच मतलब बड़े चम्मच, समझ गए ना आप लोग कौन सा बड़ा चम्मच। तो ठीक है, अब मैंने इसमें डाल दी तेल। अब हम इसमें डालेंगे खड़े गर्म मसाले, थोड़े से झटपट वाले, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, 2 लौंग, 4-5 काली मिरी, 1 फूल, 2 छोटी इलायची और ये 3 तेज़पत्ते और ये काला जीरा मतलब चार जीरा, ठीक है। अब हमने ये डाल दिए। अब एक बड़े साइज की प्याज डाल देंगे। अभी ये क्या करेंगे, हमारी प्याज को थोड़ा सा लाल कर लेंगे, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा, एकदम हमें डार्क नहीं करना है प्याज को, ठीक है। तो देखो मेरी प्याज हल्का हल्का लाल होना शुरू हो गई है, ठीक है, बस हमको इतना ही करना है। और ये 2 बड़े चम्मच मैंने तेल ली थी अभी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसमें अदरक लहसुन डालेंगे 1 चम्मच भर के। और डालेंगे ये छोटी छोटी हरी मिर्ची 5-6। एक 10-20 सेकेंड अच्छे से अदरक लहसुन को भून लेंगे। तो देखो अदरक लहसुन अच्छे से मैंने भून ली हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये डालेंगे हम एक बड़ा टमाटर। अब इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच धनिया बुक्की, 1/2 चम्मच जीरे की बुक्की और 1/2 चम्मच लाल मिर्ची बुक्की, ठीक है। अब थोड़ा सा हल्का सा गला लेंगे हम, टमाटे को ज़्यादा नहीं गलाते बनेंगे, बस थोड़ा सा। तो देखो मैंने अभी ये 10-20 सेकंड भून ली मसाला डाल के। अब क्या करेंगे हम, ये अखी मसूर डाल देंगे इसमें। ये अखी मसूर मैंने 2 घंटे पहले भिगा के रखी थी, इसको 1 घंटा पानी में भिगा के पानी निथार के निकाल लिए, ठीक है। और ये 200 ग्राम दाल है, ये भिगने के बाद अच्छी खासी ज़्यादा हो गई है। इसको ज़रा अच्छा मसाले में भून लेंगे, ठीक है। और इसमें डालेंगे ये 100 ग्राम दही। अब ये दही के साथ इसको थोड़ा सा पका लेंगे हम। तो देखो मैंने अच्छे से भून ली हूँ अखी मसूर को डाल के, तेल छोड़ दिया है पूरा मसाले ने। अब हम क्या करेंगे, ये चावल अभी मैंने 5 मिनट पहले ही भिगाई हूँ, कुकर में बना रहे हैं इसलिए हम ज़्यादा देर तक नहीं भिगाएंगे। हम टोप में बनाते हैं तो इसको कम से कम 1/2 घंटा 1 घंटा भिगा के रखते हैं, लेकिन कुकर में क्या है, हम पानी डाल के डायरेक्ट चढ़ा देते हैं ना बिना हिलाए के, तो इसके लिए इसको ज़्यादा नहीं भिगाने का। अब मैं ये चावल भी डाल के दाल के साथ थोड़ा भून लेते हैं। और ये बासमती चावल है जो मैं बिरयानी में यूज करती हूँ ना, वही वाले 100 रुपीज वाले। और जितना चावल और जितना दाल रहेगा ना उतना खाने में मजा आता है, देख रहे आप लोग, अभी पकने के बाद में आपको बराबर दिखेगा। अभी तो मेरी दाल मस्त दिख रही है ना,
दाल कम रहेगी तो अक्खी मसूर पुलाव में मज़ा नहीं आता। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसमें डाल देंगे थोड़े से पुदीने और डालेंगे थोड़ी सी कोथमीर। अब इसमें ना पानी डालेंगे हम, तो मैंने ये गिलास से चावल ली थी नाप के, तो अभी यही गिलास से मैं पानी डालूंगी। एक गिलास चावल था तो मैं डेढ़ गिलास पानी डालूंगी। अगर ये टोप में बनाई होती मैं तो पूरे दो गिलास भर के पानी डाल दी थी, लेकिन कुकर में बना रही हूँ इसलिए डेढ़ गिलास पानी लूंगी। ठीक है, ये हो गए डेढ़ गिलास, और मैं थोड़ा सा पानी जो एक्स्ट्रा डाल रही हूँ वो दाल को नज़र में रखते हुए डाल रही हूँ। ठीक है ना, ताकि हमारी दाल भी तो पानी थोड़ा ऑब्जर्व करेगी ना। अब इसमें डालेंगे हम नमक, दो चम्मच इसमें नमक डालेंगे। ठीक है, अब इसको ढक देंगे और ढक के ना दो सीटी हो तक पकाएंगे। तो चलो देखते हैं, दो सीटी हो गई है मेरे कुकर की और अपने आप ही इसकी हवा पूरी ठंडी हो गई है। अब इसको खोलते हैं बिस्मिल्लाह। देख रहे हैं आप लोग, हाँ एक एक दाना मस्त लंबा लंबा पक गया है। मेरा पुलाव एकदम रेडी हो गया है। अब मैं इसको आप लोगों को प्लेट में निकाल के बताती हूँ। देखो एक एक खुला खुला चावल पका है मस्त। तो दोस्तों ये रहा मसूर पुलाव, अखा मसूर पुलाव। अभी देखते हैं इसमें क्या अखा अखा है। चलो अभी निकालो फटाफट, क्या टेस्ट करने का है। मेरे तो ना मुंह में पानी आ रहा है, क्या चावल ऐसे लंबे लंबे खिले खिले अलग अलग बने रहे। में ये चावल ये बासमती राइस 100 रुपीज वाले। बहुत लोग पूछते कि आंटी चावल कौन सा यूज किए, तो मैंने बता दिया कि भाई बासमती राइस 100 रुपीज वाले। और अभी ना राइस लिया है 250 ग्राम और दाल लिए है 200 ग्राम, यानी कि इक्वली ले ले तो मजा ज्यादा आएगा। अम्मी का कहना कुछ ऐसा है। तो ये भी कांदा निकालो इधर यार। ये पुलाव ना ज्यादा पता है किसके साथ मजा आती खाने में, वो लाल के मिर्ची वाली चटनी आती है खास करके पुलाव, उसके साथ खाने बहुत मजा आता है। वैसे ये पुलाव भी एकदम लाजवाब दिख रहा है। इसको पूछने का क्या क्या है, हां बोटी का नहीं ये पुलाव का मतलब है इन लोग का बोटी पर। अगर चलो मान लो किसको अगर बोटी के साथ बनाना हो ये पुलाव, तो कैसा बनाएगी? जैसे सेम 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 मतलब चिकन बोटी मटन नहीं डालने का, डालने का सेम कैसा हुआ बता देना के मसूर पुलाव डालने के पहले गोश्त गला के भून लेने का, उसके बाद मसूर और चावल छोड़ने। हाँ समझ गए। तो मान लो कि मैं अभी बोटी उठाया हूँ, मान लो लो मैं बिस्मिल्लाह। अब अपनी डाइट क्या, वैसे ये मसूर की दाल ना बहुत कम खाता हूँ मैं, तो चलो आज हो जाए बिस्मिल्लाह बढ़ाने वाला अपना। वाह एकदम सिंपल, कोई मतलब ये हैवी फूड नहीं। सही में ये एकदम सिंपल और इजी रेसिपी है और एकदम हेल्दी फूड है देखा जाए तो, क्योंकि इसमें मैंने तेल भी कोई ज्यादा क्वांटिटी में यूज नहीं किया हुआ है। बहुत अच्छा और लाजवाब है टेस्ट इसका। तो ये रेसिपी हर कोई बना के खा सकता है, इसमें ना ये चिकन मटन कुछ भी नहीं है। और टेस्टी भी है, मस्त और झटपट बनने वाली। कभी थक के आए, कहीं से आए, आज क्या बनाऊं वाला शॉर्ट रहेगा ना, उस दिन फटाफट बनने वाली रेसिपी है। और दिखरी भी लाजवाब है। रियाज बोल रहा था कितने जल्दी बना दी अम्मी। हाँ ये बहुत फास्ट बनने वाली डिश है, इसमें टाइम लेने का ही नहीं ज्यादा, उसको झटपट ही करने का फटाफट। तो देखो जो बोल रहा था ना मसूर पुलाव की रेसिपी, तो आप भी शेयर करो भाई ये रेसिपी। हाँ, बहुत कमेंट कर करके मजे चाहिए। हाँ हमारी सुनते नहीं आप। हाँ मैं गुस्सा हो जाऊंगी, अभी मैं आपको वीडियो नहीं देखूंगी और मैं कमेंट भी नहीं करूंगी, आप मेरी सुनते ही नहीं। एक ने तो ना अभी जब आप लोग ने कप केक बनाए थे तो उसमें कमेंट आया था कि अरे क्या तुम लोग एड़ा बनाते हो, कप केक को विदाउट ओवन का नाम देके आप ओवन में पकाते हो फिर बाद में इसमें रख देते हो, इसमें नमक भी नहीं डाला, यानी कि ठीक है मैंने नीचे नमक डालते फिर उसके बाद ओवन मतलब एक रेडीमेड ओवन रेडी होता है। तो कुछ लोग हैं जो कि ऐसे कमेंट करते हैं कि वो लोग को लगता है कि हमने ओवन में पका के वही टोप में रख दिया है, तो वो कमेंट था भाई कमेंट थैंक यू यार वो कमेंट करने के लिए, क्योंकि वो कमेंट ना हम लोग के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। लोग क्या क्या सोचते हैं हमारी कुकिंग को कि हमने ओवन में पका के उसमें रखा होगा तो हम लोग को अच्छा लगता है, ऐसा सोचा करो, क्योंकि हमारी रेसिपी उतनी परफेक्ट और अच्छी बनती है। और
लोग भी बना के ट्राई करते हैं, तो लोग ट्राई करते हैं वो लोगों को पता चलता होगा कि कैसे बनता है, बनाई थी या गलत बोली थी आप लोग। हाँ तो अच्छा लगता है वैसे, सही में वो जो आड़े टेढ़े कमेंट आते हैं उससे सीखने मिलता है, वाह लोग क्या क्या सोचते हैं, अच्छा लगता है। अरे मेरे अच्छे सब्सक्राइबर लोग है ना, ऐसे लोग को कमेंट्स करने देने का, इग्नोर मारने का, साइड में दिल पे नहीं लेने का। तो देखो भाई रेसिपी अगर जिस किसी को भी पसंद आई होगी और नहीं भी आई होगी ना, लाइक तो करके आ यार। हाँ मेहनत करते हैं और कैमरा लेकर खड़े तो बिहाइंड द सीन तो जल्दी देखती नहीं होगी। नहीं नहीं सही में बहुत कैमरे के सामने तो मैं मेहनत करती, आप लोग देख लेते कि आंटी आपको कितना पसीना आ रहा है, आंटी आप कितनी मेहनत करते हो गैस के पास। ये बात तो ठीक है, वो तो सही है, लेकिन मेरा बच्चा तो पूरा नहा लेता है कैमरा लेने के, जो मेरे आजू बाजू ऊपर ऐसा वैसा घूमते रहता ना, उसको मेरे से ज्यादा तकलीफ होती है। सबसे ज्यादा पसीना अगर किसी को आता हूं तो वो मैं हूं, बहुत पसीना आता है, पूरा नहा लेता है वो पीछे से, आप लोगों को नजर नहीं आता। तो चलो भाई एक बार फिर से मैं बोलूंगा, अगर रेसिपी पसंद आई होगी और इसकी मेहनत जो मैंने बताई है ना वो भी अगर आप लोग को समझ में आता होगा तो थोड़ा शेयर और कर देना है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि मेरी मेहनत भी दिखती है लोगों को बंद आंखों से, अच्छी बात है। तो गाइस फिर एक बार बोलूंगा, लाइक करो शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, एक लाख होने में यानी कि 100 के होने में अभी ज्यादा दूर नहीं है, हम लोग हार्डली 13,000 सब्सक्राइबर बचे, इंशाल्लाह भी आप लोगों की दुआ और सब्सक्राइब करने से ना हो जाएगी क्या, लोग भी मेहनत करते रहे, शेयर करते फिर हमारा वीडियो ऐसा देखते बैठते हैं 10-12 मिनट का जो भी होगा, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। हाँ और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो गाइस उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, जो भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना वो भी प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे ऐसी वीडियो देखते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी चटपटी लाजवाब रेसिपी के साथ, हमारे को हिम्मत मिलती है। हाँ और जो अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं ना, वैसे तो हर के कमेंट के मैं रिप्लाई देता हूँ, बट जो अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं हम लोग को अप्रिशिएट करते हैं, वो लोगों को भी तहे दिल से शुक्रिया। तो चलते फिर अभी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखना, बाय बाय।